दोस्तों OnePlus ने फाइनली OnePlus Nord 2 5G स्मार्टफोन के लिए Android 12 का स्टेबल अपडेट रोल आउट कर दिया है इंडिया में, और आज ही ये अपडेट जो है ना रोल आउट हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जल्द से जल्द वीडियो दे दूंगा, तो अभी वीडियो में आपको दे ही रहा हूं। तो अपडेट के सेक्शन में जाने के बाद यहां पे आपको न्यू वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा, अपडेट अवेलेबल, और इस अपडेट में आपको बहुत सारे इश्यूज सॉल्व किए हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। खासकर सिस्टम में बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो चुके हैं, जैसे कि अगर आप गेमिंग मोड की एप्लीकेशन को ओपन करते थे ना, तो जो आपके स्मार्टफोन में गेम थी उसमें की एक दो गेम आपको देखने के लिए मिलती थी, और बहुत सारी गेम की एप्लीकेशन आपको उस एप्लीकेशन में देखने के लिए नहीं मिलती थी। तो इस इश्यू को सॉल्व किया गया है। साथ ही में आपको इस अपडेट में मेगा सिक्योरिटी पैच भी प्रोवाइड किया गया है। जून का दे देते तो भाई अच्छा हो जाता, मगर नहीं दिया इन्होंने, चलिए कोई बात नहीं। साथ ही में अगर आप बिटमोजी की स्टिकर यूज कर रहे थे, तो अगर आप उसमें कोई इश्यूज फेस कर रहे थे, तो उस इश्यू को भी जो है ना यहाँ पे सॉल्व किया गया है। साथ ही में अगर आपको स्मार्टफोन की स्विच ऑफ बटन से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट में सॉल्व किया गया है। और साथ ही में स्पेशली कैमरे में भी आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगी। इस बार थोड़ा सा यहाँ पे जो है, अगर आपका कैमरा क्रैश हो रहा था, तो इस इश्यू को भी इस बार सॉल्व किया गया है। साथ ही में आपका स्मार्टफोन का कैमरा अभी बैटरी ऑप्टिमाइज हो चुकी है, कैमरा उतनी जो है ना यहाँ पे बैटरी नहीं खाएगा। तो इस अपडेट की साइज मुझे जो है ना 3.31 GB के आसपास मिल चुके हैं। सभी को 339 MB की मिली, मगर मुझे 331 GB की मिली। OnePlus वाले से ये मैं पूछूंगा ही। और साथ में इस अपडेट को अगर अपडेट आप जो है ना डाउनलोड इंस्टॉल कर लोगे, तो आपका यहाँ पे कोई भी डेटा जो है ना क्लियर नहीं होने वाला। तो चलिए मैं आप ही के सामने इस पैकेज को जो है ना इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अभी मेरा पैकेज जो है आप ही के सामने वेरीफाई हो रहा है। तो अभी हमारा स्मार्टफोन जो है रिकवरी मोड में जा चुका है, और रिकवरी मोड से ऑनलाइन अपडेट में जा चुका है। तो 3 of 3 यहाँ पे अपडेट टाइम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। मैंने वीडियो को थोड़ा जो है ना फास्ट कर दिया है। तो अभी पूरा सा ये अपडेट हो चुका है कन्फर्मली। तो चलिए अभी इसे अपडेट होने दे देते हैं। थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी बेकार सी आ रही होगी, उसे माफी चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपने कहा कि जल्द से जल्द वीडियो दे दीजिए। तो फाइनली हमारा स्मार्टफोन जो है स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट करते ही थोड़ा बहुत लैग हो चुका है, और अभी मैं स्मार्टफोन के अबाउट के सेक्शन में जा रहा हूँ, और यहाँ पे अप टू डेट दिखा रहा है। साथ ही में सिस्टम अपडेट डाउनलोडेड यहाँ पे दिखा रहा है, यानी सक्सेसफुली ये अपडेट हमने डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया है। वीडियो को लाइक नहीं किया यार, लाइक कर दे। साथ ही में अभी ये वर्जन जो है ना अप टू डेट हो चुका है, और एंड्रॉइड 12 का स्टेबल अपडेट ये आ चुका है। और दोस्तों मैंने अभी इसका फुल रिव्यू नहीं किया है, जल्द से जल्द 3 से 4 दिन इसे मैं यूज करूंगा, उसके बाद इसका फुल रिव्यू भी लेके आ जाऊंगा। साथ ही में कैमरा का रिव्यू भी लेके आ जाऊंगा, साथ ही में बैटरी का भी रिव्यू मैं लेके आ जाऊंगा। जो भी वीडियोस रहेंगी वो, अगर आपको कौन सी वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया यार, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।